दिल्ली पुलिस ने दो शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से आभूषण किए बरामद। जी हां, खबर है दिल्ली से। दिल्ली पुलिस ने थाना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की टीम ने मिलकर दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सुशील पुत्र सज्जू प्रसाद और रोहित पुत्र राजकरण के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2,51,200 रुपए नगद और करीब 1 करोड़ से अधिक मूल्य के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर से लाखों रुपए के आभूषण चोरी हुए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की टीम ने आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई और उन्हें उन्नाव के एक गांव में छिपे होने की सूचना मिली। पुलिस ने गांव में छापेमारी की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शिकायतकर्ता के पूर्व कर्मचारी थे। उन्होंने शिकायतकर्ता के घर में चोरी की योजना बनाई और रात में घर में घुसकर आभूषण चोरी कर ली। आरोपी रोहित के खिलाफ पहले से ही 2 चोरी के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए दिल्ली से संवाददाता कृष्णलाल मीणा की रिपोर्ट।